सेंसेक्स आज के शुरुआती कारोबार में करीब 100 अंक बढ़कर 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, 20,000 को किया पार। निफ्टी भी 3 अंक बढ़कर 6,027 पर खुला। शेयर बाजार में पूंजी प्रवाह बढ़ने और निर्यातकों एवं बैंकों द्वारा डॉलर की बिकवाली से अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 54.34 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मीडिया के लिए सीमा रेखा तय करना हो सकता है खतरनाक। आज राजधानी में भारतीय जनसंचार संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर उन्होंने सुझाव दिया कि स्वनियमन ही है सबसे बेहतर तरीका। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए कहा कि इस मामले में देश की संस्थाएं कर रही हैं अपना काम। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया पटरी से उतरे। उन्होंने कहा कि वार्ता प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने नियंत्रण रेखा संबंधी घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए भाजपा नेताओं सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से की मुलाकात। परमाणु ऊर्जा विभाग के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की उम्मीदों के मुताबिक विकास करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बढ़ाने की प्रक्रिया में है। आज नई दिल्ली में 65वीं आर्मी डे परेड को संबोधित करते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि भारत की सेनाएं देश की सीमा पर आए हर खतरे का मुकाबला करने के लिए हैं तैयार। कहा, हमारी सेनाओं का मानवाधिकारों के सम्मान का है अच्छा रिकॉर्ड। पाकिस्तान के खैबर एजेंसी में हुए एक विस्फोट में 6 सुरक्षा बलों के मारे जाने और 16 के घायल होने की खबर। इसके अलावा बलूचिस्तान प्रांत के राजधानी क्वेटा के मवेशी बाजार में हुए विस्फोट में लगभग आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर। मिस्र में एक आर्मी रेलगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 17 जवानों की मौत, 103 अन्य घायल। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रेलगाड़ी आर्मी में भर्ती नए जवानों को लेकर आर्मी कैंप जा रही थी। अफ्रीकी देश माली में फ्रांस के विमान हमलों में विद्रोहियों को पहुंचा खासा नुकसान। देश के जिन हिस्सों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था उनमें से अधिकांश को वो छोड़कर भागे। कोची एक दिवसीय मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला। दोनों सलामी बल्लेबाज सस्ते में निपटे। अशोक डिंडा की जगह शमी अहमद को टीम में किया गया शामिल। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दिन ब्रिटेन के एंडी मरे ने जीत के साथ की शुरुआत। पुरुष एकल वर्ग के एक अन्य मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त रोजर फेडरर पहले दौर की बाधा पार करने में सफल। फेडरर ने फ्रांस के बेयोनेट पेयर को सीधे सेटों में 6-2, 6-4, 6-1 से दी मात। महिला एकल के मुकाबले में 10वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क की कैरोलिन वाजनियकी ने जर्मनी की सेबाइन लिस्की को 2-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहली वरीयता प्राप्त बेलारूस की विकोटिका एजरेंका ने रोमानिया की मोनिका निकुलेस्कू को सीधे सेटों में 6-1, 6-4 से दी मात।